गुड मॉर्निंग एवरी वन। सो इट्स 4:30 करेंटली एंड आई हैव वोकन अप। आई डिडंट वांट टू, ऐसा कोई प्लान नहीं था टू जस्ट शूट, बट आई डिसाइडेड। सो आई वेंट इनटू द किचन, आई हैव हैड माय वाटर। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू जर्नल एंड रीड सम novel. Currently I am reading this Everything Is Fucked. After that I would meditate and then start off with my day. So yes, see you, and as I take you with my day along with me. Hello everyone. तो अभी आपको लग रहा होगा कि अंधेरा क्यों है। एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 5:15 और मैंने अभी अपना 25 मिनट्स का मेडिटेशन कंप्लीट किया है। सो उसमें आई कैन से कि मैं इतना डीप तो नहीं गई हूँ, बट आई एम नॉट अ बिगिनर एनी मोर, क्योंकि मैं काफ़ी महीने से ट्राई कर रही हूँ। आई हैव बीन रेगुलर विथ माई मेडिटेशन विच आई डू इन द मॉर्निंग एंड दैट इज़ द वंडरफुल फीलिंग एवर। तो उसमें क्या होता है ना, यू आर एबल टू लुक इन साइड एंड देर इज़ दिस वॉइस विच टॉक्स विथ यू, और आप सोचते हो कि आवाज़ है किसकी, मेरी है या यू नो यू आर टॉकिंग विद गॉड बेसिकली। अभी अब तक मैं वो फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ, बट यस देयर इज़ दिस वॉइस जो मेरे बारे में रियली कंसर्न है, जो मुझे सही डायरेक्शन बोलती है और ये भी बताती है कि यू नो आप कहाँ गलत हो। सो अभी तो कुछ पिछले कुछ दिनों से दिस वॉइस की एक वो छोटी सी एक आवाज़ आ रही होती है जिसको हम दबाते रहते हैं, तो वो बार बार यही कह रही है। और अभी तो मेडिटेशन है बहुत स्ट्रांग हो गई कि यू नो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी। एक्चुअली मेरे साथ क्या है कि मेरा ना एक बार मतलब मैं एक फ्लो से जाती हूँ, एंड इफ़ लाइक कुछ हो जाए ना, जैसे इफ़ आई लूज ट्रैक ऑफ माई स्टडीज और वट एवर, तो वो अचानक से दूसरा ट्रैक चलने लगता है और फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट देन मैं अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग कि आने वाले 5 ईयर्स या 10 ईयर्स बाद मेरी लाइफ क्या होने वाली है। सो इट इज़ जस्ट दैट वॉइस इज़ जस्ट आस्किंग मी कि टू मेक पीस, जो भी हो गया है उस पर फोकस मत करो, बस आज पे फोकस करो एंड ट्राई टू पुट लिटिल इनपुट्स फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। समथिंग जो मैं नहीं कर रही हूँ, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मेंटली हेल्थ वाइज तो मैं कर रही हूँ, बट फाइनेंशियली और वट एवर द वर्क दैट आई एम गोना डू इन फ्यूचर, उस वाइज उसमें इनपुट कुछ भी नहीं है मेरा। तो उसके अगेंस्ट भी एज सच कुछ नहीं है, यू नो ऐसे होता है कि आप एक स्टेप पीछे ले रहे हो, तो नहीं, मैं बस वहीं पर स्टक हूँ बेसिकली। आई एम नॉट मूविंग अहेड, आई एम नॉट मूविंग, आई एम जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग इन दैट एरिया ऑफ माई लाइफ। सो यस, आज बेटर करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, और मैं आप लोगों को ये अंधेरा और नहीं दिखाऊंगी और कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। So let's go and let's see कि बाहर का नज़ारा कैसा है। तो ये मेरे रूम में एक छोटी सी, क्या बोलूँ, बालकनी टाइप की काइंड ऑफ कह सकते हो, पर सच तो नहीं है। आई हैव ओपन्ड इट एंड दिस इज द काइंड ऑफ व्यू जो ऐसे आता है। सो यू कैन सी अर्ली मॉर्निंग सो रही है। Love these mornings, just like love them. Okay, now I will just go cook for the day. Actually, दिन भर में क्या खाना होता है मैं सुबह ही बना लेती हूँ ताकि किचन में रश ना रहे। तो I will show you guys that as well.
Yeah, let's see, let's do that. This is my kitchen. I'll just boil some eggs and cook veggies for the day जो मैं दिन भर खाऊंगी and that's it. This is the view. Wow. क्विकली कुक, इसमें बहुत सारे लोगों के सामान है. 6-7 पीपल इस फ्लोर में रहते हैं. यू कैन सी एवरीबॉडी इज स्लीपिंग. मैं जल्दी जल्दी से करती हूँ कुकिंग. आई सी यू गाइस लेटर ड्यूरिंग द डे व्हेन आई एक्सरसाइज एंड ऑल ऑफ दैट. टुक मी 20 मिनट्स. राइट नाउ इट्स 6 AM to chop and make this. I generally have boiled vegetables throughout the day and that will be all.